हेलो फ्रेंड्स, क्या आपके शरीर में भी सूजन रहती है? क्या आप भी ये सोचते हैं कि एक वक्त था जब आप ज्यादा तंदुरुस्ती से और जल्दी जल्दी अपने काम खत्म कर लेते थे, लेकिन अब वो वक्त नहीं रहा। जरा सा काम करते ही आपको आलस आने लगता है, जरा सी सीढ़ी चढ़ी नहीं कि आपकी सांस फूलने लगती है, शरीर में ऐंठन और काम करने में जकड़न आपकी प्रॉब्लम बनती जा रही है। क्या आपको भी ये सारी प्रॉब्लम सता रही है? अगर हाँ, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपकी दोस्त नायरा आपको बताऊंगी कि शरीर के अंदर सूजन किन कारणों की वजह से होती है। अक्सर हमारे शरीर के कई अंगों में सूजन होती है, लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं और सिर्फ इतना कह के इग्नोर कर देते हैं कि सूजन ही तो है, ठीक हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है। शरीर के अंदर सूजन होने के भी कई लक्षण होते हैं, तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही लक्षणों के बारे में विस्तार से। पॉइंट नंबर 1, खाने के प्रति आपकी नकारात्मक क्रिया। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी खाने को देखकर आपकी सोच क्या कह रही है। इसका कहने का मतलब ये है कि खाना जिसको आप सेवन करते हैं उसका आपके शरीर पर ना लगना, खाने का आपकी बॉडी पर रिएक्शन करना। जी हाँ, इसे ही कहते हैं खाने की प्रतिक्रिया। जैसे कि फिश, अंडा और ग्लूटिन, इन सब चीज़ों का सेवन करना हमारे शरीर के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो इनका सेवन तो कर लेते हैं, लेकिन उन्हें इसके फायदे और नुकसानों के बारे में नहीं पता होता, जिसकी वजह से अगर ये इनका सेवन करते हैं तो उन्हें जलन, एलर्जी और माइग्रेन की शिकायत होती है। इसीलिए किसी भी चीज़ का सेवन करने से पहले उसकी प्रकृति को अपनी प्रकृति के साथ मैच करना बहुत ज़रूरी है। खाने को खाने से पहले हमेशा ये जान लेना चाहिए कि वो आपको सूट करेगा या नहीं। अगर अंडा खाने के बाद आपको एलर्जी होती है, तो आपको किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए कि अंडा खाना आपके लिए कितना अच्छा है और कितना नहीं। पॉइंट नंबर 2, शुगर की ज्यादा मात्रा। जी हाँ, ये मानना बिल्कुल गलत है कि अगर आप खाने के बाद मीठा नहीं खा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मीठा खा ही नहीं रहे हैं। बाजार में कई ऐसे प्रोडक्ट्स अब अवेलेबल हो गए हैं जिसके अंदर शुगर यानी कि चीनी मेन कंटेंट होता है। चीनी का मीठा स्वाद आपकी जबान को तो स्वाद देता है, लेकिन वो आपकी सेहत को बिगाड़ सकता है। शुगर की अधिकतर सेवन करने से हमारे शरीर के अंदर जलन और सूजन की समस्या बढ़ सकती है। इसीलिए अगर आपके शरीर में सूजन है तो उसका एक कारण शुगर की ज्यादा मात्रा भी हो सकता है। टिप नंबर 3 है कैंडिडा। कैंडिडा हमारे शरीर के अंदर दौड़ता हुआ एक यीस्ट है जो हमारे शरीर को थकावट महसूस कराता है। अगर कैंडिडा हमारे शरीर की मात्रा में ज्यादा हो जाता है तो ये हमारे शरीर के अंदर जलन और सूजन पैदा कर देता है। और कैंडिडा की ज्यादा मात्रा ज्यादातर जलन या सूजन पैदा करने वाला अनियमित खाना खाने से, बर्थ कंट्रोल की रेगुलर पिल लेने से या फिर बहुत सालों पुराने इलाज की दवाइयों को चलाते रहने से ज्यादा होता है। इसीलिए अगर आप भी कुछ ऐसा कर रहे हैं तो आपको डॉक्टर से परामर्श लेने की जरूरत है। पॉइंट नंबर 4 है कुपोषण का शिकार होना। अक्सर लोग वजन घटाते वक्त सबसे पहले अपना खाना कम कर देते हैं, बिना ये बात जाने कि उन्हें वजन कम करने के लिए किन तरीकों का उपयोग करने की जरूरत है। इसीलिए अगर आप वजन घटाना चाहते हैं तो खाने को कम करने से पहले अपने खाने के साथ कोई सब ऑर्डिनेट चीजें जरूर रखें, जैसे कि हरे पत्तेदार सब्जियां और प्रोटीन युक्त आहार, ताकि आपके बॉडी को कमजोरी महसूस ना हो और आप कुपोषण के शिकार होने से बच जाएं। पॉइंट नंबर 5 है अपने शरीर को समझें। जी हाँ, हम सबका शरीर अलग होता है, हम सबकी जरूरतें भी अलग होती हैं। इसीलिए किसी भी खाने को खाने से पहले थोड़ी देर के लिए बैठें और अपने शरीर की प्रकृति को समझने की कोशिश करें। किस चीज़ को खाने से आपको फ़ायदा मिलता है और किस चीज़ के सेवन से आपके शरीर पे एलर्जी, सूजन या फिर रेडनेस आती है, इस चीज़ पर ध्यान दें और उसी के अनुसार अपनी डाइट को चुनें। ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी सूजन से निजात पाने के लिए। सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ ऐसे तरीके जिनका इस्तेमाल करके आप अपने सूजन के लक्षणों को पहचान सकते हैं। मेरी ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए YouTube पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मैं आपकी दोस्त नायरा आपसे इजाज़त लेती हूँ।